मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज पटेरिया के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रदेश सहित देश में राजनीति गर्मा गई है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने वीडियो जारी कर मामला दर्ज करने की बात कही थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया और पवई बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पवई पुलिस थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए राजा पटेरिया पर मामला दर्ज करने आवेदन दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर आवेदन व्यक्त किया है। दोनों आवेदनों पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पटेरिया के बयान की निंदा की है। संदेश ये दे रहे थे राजा पटेरिया जी 98 से 93 तक मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे और दुर्भाग्य कह लीजिए, संयोग तो नहीं कहूंगा, दुर्भाग्य कह लीजिए, इसी पन्ना जिले के प्रभारी थे। एक उपलब्धि बता दें वो पन्ना जिले के लिए कि मैंने पन्ना जिले का प्रभारी मंत्री रहते हुए मैंने ये निर्माण कार्य कोई अच्छा कार्य कुछ भी एक उपलब्धि पन्ना जिले के लिए बताएं। पीडब्ल्यूडी द्वारा एक आवेदन दिया गया है, अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी और कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया है, आवेदन पर से वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ, इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज पटेरिया के बिगड़े बोल का जो है वीडियो सामने आया था और इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता अनूप शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनूप, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज पटेरिया का विवादित बयान जो है सामने आया है और इस बयान ने जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी मैम, बता दें कि कल पवई विश्राम गृह में जो है कांग्रेस मंडल की जो एक बैठक ली गई थी, जिसमें जिलाध्यक्ष शारदा पाठक और पूर्व जो है मंत्री राजा पटेरिया आए हुए थे। उस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अचानक उनके द्वारा इस तरह के शब्द कहे गए, जिसकी वजह से जो ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद जो है लगातार पवई ही नहीं बल्कि पवई विधायक के द्वारा भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए और उन पर FIR की मांग की गई। बता दें कि आपको के इस तरीके के जो है बीजेपी जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया और पवई मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पवई थाने पहुंच करके इनके खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमे के लिए आवेदन दिया है। साथ ही जो PWD लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री थे उनके द्वारा भी कार्रवाई हेतु एक आवेदन दिया गया था। जी मैम बिल्कुल, और देखा जाए तो ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जो है इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब उनकी तरफ से कोई माफ़ीनामा या इस चीज़ को जो उनने बातें बोली है उसके लिए वो कोई माफ़ी मांगने की कोई बातें आ रही है या नहीं?
जी जी बता दें मैम आपको कि उनका जैसे ही ये वीडियो जो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद उनका एक माफीनामा वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस जो यह जो वीडियो है इसको पूरी तरीके से एडिट किया गया है और थोड़ा मड़ोरा गया है, मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि हम गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, हमारे द्वारा ऐसा कभी नहीं बोला गया। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको पवई से बताई जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता का ये जो है उनके बिगड़े बोल, इनके बिगड़े बोलों ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दिया। विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया जिसकी प्रतिक्रिया खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। उन्होंने भी इसके जवाब में जो है वीडियो सामने लिया है, बातें कही है और इस पर जो है उनके द्वारा माफीनामा भी अब मांग लिया गया। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि ये वीडियो एडिट किया गया है और ये जांच का विषय है कि आखिर पूरी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने बात कही थी तो इसमें लिहाजा सवाल ही नहीं उठता कि ये वीडियो एडिट किया गया है। हालांकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है तो ये जांच का विषय तो है ही, मगर उनने इस वीडियो के तर्ज पर जो है माफीनामा भी